नागपुर जिले में 361 ग्राम पंचायत के सार्वत्रिक चुनाव और 12 ग्रापम के उपचुनाव के लिए रविवार को वोट डाले गए। औसतन 77% मतदाताओं ने मतदान किया और आज उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आ चुका है, जिसमें भाजपा की भारी मतों से जीत कई जगह हुई है। इसी श्रृंखला में खास बातचीत की है आशीष देशमुख से। आइए डालते हैं एक नजर। होते गांव के चुनाव होते हैं और यहां पे भाजपा मजबूत है, यही आज के चुनाव से दिखाई दे रहा है। आने वाली लोकसभा हो या विधानसभा हो, नागपुर जिले में सभी की सभी सीटें ये भाजपा की ही चुन के आई। त्याने बघा, अतिशय कमी अशा जागा आहेत ज्या भाजपानी अजित पवार गटाच्या सरपंच पदासाठी किंवा सदस्य पदांकरता सोडल्या होत्या, पण मागच्या सर्व विधानसभेचे 14 पासूनची आपण जर आकडेवारी पाहत तर कमळ आणि भाजपाला प्रत्येक निवडणुकीमध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये मतदान हे झालेलं आहे। या परिस्थितीमध्ये काटोल विधानसभा क्षेत्रामध्ये भारतीय जनता पार्टीच आपला आमदारकीचा उमेदवार लढवेल। सन्माननीय अजितदादा पवारांकडून तशी मागणी देखील होणार नाही। त्यांचा जो पश्चिम महाराष्ट्रातला बालेकिल्ला आहे त्यामध्ये त्यांना सीटा सुटतील, नागपुरात सुटेल असं मला तरी वाटत नाही।